नितीन राऊत यांची पत्रकार परिषद सुरू झालेली आहे. ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत काय म्हणतायत हे बघणं महत्त्वाचं आहे. आपल्या मूळ गावी गेल्यामुळे त्यांचा वीज वापर हा अगदी कमी झाला आहे, तरी त्यांना मीटर रिडिंग न घेतल्यामुळं मागील वीज वापरानुसार सरासरी वीज देण्यात आले आहे. अशा ग्राहकांच्या वीज मीटरचे प्रत्यक्ष मीटर रिडिंग घेऊन त्यांचे वीज बिलसुद्धा या ठिकाणी दुरुस्त केले जाईल. अशा पद्धतीनं या ठिकाणी आम्ही आज सूचना केलेल्या आहेत आणि ग्राहकांना जितकी शक्य होईल आम्हाला मदत करण्याची तितकी मदत करण्याचं काम या ठिकाणी करतो आहोत. शेवटी वीज ग्राहक हा आमचा वर्षानुवर्षाचा ग्राहक आहे आणि त्यांचं समाधान करणं हे महावितरणचं काम आहे, ऊर्जा विभागाचं काम आहे. त्या दृष्टिकोनातनं हा सगळा प्रयत्न आम्ही चालवलेला आहे की जोपर्यंत त्यांचं समाधान होत नाही तोपर्यंत आम्ही त्यांना संपूर्णपणे सहाय्य करू, कारण आम्हाला कल्पना आहे की अपर मिडल ग्रुपपर्यंतसुद्धा लोकांना आर्थिक चणचण या 2-3 महिन्यात जाणवणार आहे. त्या दृष्टिकोनातून त्यांना सहकार्य करणं हे आमचं आद्य कर्तव्य आम्ही समजून ही सरकार महाविकास आघाडीची ही जनतेची सरकार आहे हेच या ठिकाणी स्पष्ट करण्यासाठी मी आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहे. नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि पहली बात तो यह है कि हमारा कोई मीटर रीडर घर पर गया नहीं किसी के और उसने मीटर रीडिंग नहीं लिया इस लॉकडाउन पीरियड के कोरोना के. इसमें ये MERC के निर्देश थे और उनको जो बिल दिए गए हैं वो बिल जनवरी फरवरी महीने में जो बिल आते हैं दिसंबर जनवरी फरवरी में उसका आधार लेकर लिंकअप करके उसका जो एवरेज है उस एवरेज से भी लोएस्ट जो रहेगा एवरेज वो उस आधार पर दिए है. और जून महीने का जो बिल बढ़ा हुआ लोगों को दिख रहा है वो इस कारण बढ़ा हुआ दिख रहा है क्योंकि बिजली की खपत ये ज़्यादा करने के वजह से उन्होंने उनको वो बिल ज़्यादा आया है. उसके लिए हमने अपनी लिंक भी बनाई है महाडिस्कॉम की. उस लिंक पर जाकर उन्होंने अपना कंज्यूमर नंबर उस पर अगर डाला तो उनको पूरे डिटेल्स उनके बिल के और पुराने बिल के डिटेल्स आ जाएंगे और उसका अगर डिफरेंस पे करेंगे तो बहुत कमी उनको गुंजाइश दिखेंगी वहाँ पे और दे कैन सेटिस्फाइड विद दैट बिल. हाँ, मैंने कहा ना कि बिजली की खपत बढ़ी है तो बिजली की खपत बढ़ने की वजह से जून महीने का बिल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आता है. बाकी ऑटोमेटिकली वो पिछले दिसंबर जनवरी फरवरी के रेट से यानी ठंडी में जो रेट्स थे उस हिसाब से डाला हुआ है जो भी यूनिट्स खर्चा हुए हैं. आपने कहा वन थर्ड बिल भरेंगे तो और एक साल भुगतान करेंगे तो रिफंड भी मिलेगा. नहीं, देखिए कि वन थर्ड बिल इसलिए भरने की हमने एक आह्वान किया है कि कई लोगों के पास लिक्विडिटी नहीं रही अभी क्योंकि काम बंद थे, रोजगार बंद थे, ऑफिसेस बंद थे, उनको तकलीफ है पैसों की. तो कहीं तो भी उनको भी बिजली हमारी मिलते रही और हम भी आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर ना हो इसलिए हमने उनको उस ढंग से वन थर्ड अगर किसी ने भर दिया तो उनको भी हम बिजली कंटिन्यू हमारी चालू रहेंगी 24 घंटा मिलेंगी. उसके बावजूद जो लोग तो इस ढंग से हमने कोशिश की है कि हमारे लोगों को राहत दे दी जाए. सर, आपने कहा खबर पड़ी है इसलिए बिजली के बिल बढ़े हैं तो क्या, लेकिन जिस तरह लोगों की ये भी शिकायत है कि वो घर पर थे ही नहीं, वो गांव की तरफ चले गए थे तो भी उनके बिल इतने ज्यादा है, तो आपको नहीं लगता कि जरूरत है कि बिजली कंपनियों पर भी जांच उस एंगल से भी की जाए कि कहीं वहां से उस तरह भी जांच करने की जरूरत है बिजली कंपनियों की? मैंने वो भी स्पष्ट किया मराठी में अगर आप सुने होंगे तो कि जिन लोग अपना मकान छोड़कर गांव में वापस चले गए और मकान अगर उस पीरियड में बंद होगा तो केवल फ्रिज ही उनका चलता होगा, बाकी कुछ नहीं चलता होगा. तो ऐसे लोगों की मालूमात हमारे पास अगर आ गई तो हम निश्चित रूप से उसको रीएड्रेस करेंगे और उनका करेक्शन करके देंगे और उनका समाधान अवश्य होगा. सर, तुम्हें
क्योंकि कई कई ऐसे बच्चे जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मेडिकल में, वो कॉमनली फ्लैट लेकर रहते हैं, वो भी बच्चे वापस चले गए थे, उनके भी बिजली के बिल बढ़े हुए नज़र आए, इसलिए वो भी हमने इसमें काउंट किया है कि उनको राहत दिला सके। बीजेपी ने ये कहा है कि आपने पेट्रोल डीजल के खिलाफ कल आंदोलन किया, लेकिन उससे ज़्यादा आंदोलन करने की ज़रूरत इस बिजली के मुद्दे पर है, क्योंकि इसका शौक जनता को ज़्यादा लगा है, और आप केंद्र की तरफ उंगली ना दिखाएं, क्योंकि आपको केंद्र सरकार ने 90 या 100 करोड़ रुपए कुछ दिए हैं, उससे आप बिजली लोगों की बिजली पे माफ करें। बीजेपी ने जो कहा है सही कहा है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी का काम कहना ही है, और वे नहीं कहेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। लेकिन एक बात हमने समझने की आवश्यकता है कि पेट्रोल का दर जो बढ़ गया है, रेट जो बढ़ गया है, वो क्रूड ऑयल के रेट से काउंट होते हैं। क्रूड ऑयल जो है उसके दाम पूरे घसर चुके हैं। उसके दाम अगर 24 रुपये 25 रुपये में अगर दाम से हमको अगर पेट्रोल डीजल मिलता है तो हम यहाँ 75-80 के दाम से बेच रहे हैं, तो यहाँ तो केंद्र सरकार जेब काट रही है। बिजली के इसमें हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना उनके घर में पिछले लॉकडाउन पीरियड में कभी हमने बिजली उनकी काटी है, ना हमारे यहाँ निसर्ग का साइक्लोन आया तो उस वक्त हमने उनको कोई तकलीफ दी। हमने मदद ही करने की कोशिश की पूरी बरसात में और पूरे लॉकडाउन पीरियड में। कोरोना के इसमें लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, अपने घरों में थे, लेकिन बिजली का कर्मचारी वो रात दिन काम कर रहा था एक कोरोना योद्धा के तरह, लेकिन उसको समझने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। जब हम ऑफिस जाते हैं और या काम पर जाते हैं तो हमारे घर में बच्चे भी कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बिजली की खपत नहीं होती है, लेकिन हम वर्क फ्रॉम होम कहते हैं और हम सब लोग घर में रहते, टीवी भी चलता है, मोबाइल भी चार्जिंग होते रहता है, कंप्यूटर भी हम काम करते हैं, फ्रिज भी चलता है, पंखे भी चलते हैं, एसी भी चलते हैं, तो उसके बारे में आपने सोचना चाहिए कि हम जो किए हैं तो बिजली की खपत तो बढ़ेगी ना। अगर बिजली की खपत बढ़ी है तो उसका पैसा जो देना बाकी है आप दीजिए, लेकिन हमें ये भी पता है कि आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ी हुई है, इसलिए हमने राहत की कोशिश की है, और आपने 1/3 भी बिजली का बिल अगर दिया है तो आपकी बिजली नहीं काटी जाएगी, आपकी बिजली चालू रहेगी, और आपको हम 3 हफ्तों में उसको डिवाइड करके भी देंगे अगर आपने डिमांड की तो। और जो लोगों ने पूरा बिल भरा है उनको हम 2% का डिडक्शन भी देंगे। कांग्रेस एनसीपी के ऐसे विधायक भी हैं, इन्होंने भी ये मांग की है, आपके नागपुर में गज भी ने मांग की है, एनसीपी के विधायक है, क्योंकि 300 यूनिट तक 200 यूनिट तक छूट दी जाए, कुछ तो राहत दी जाए लोगों को, केंद्र सरकार ने जो आपको पैसे दिए उसका भी इस्तेमाल किया जाए। हाँ, केंद्र सरकार ने पैसे देने की 90 करोड़ पैसे देने की डिस्कॉम को बात की है, लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट क्या रखा है, 10.8%, 10.8% उन्होंने इंटरेस्ट रेट रखा है। क्या ये साहूकारी का काम नहीं हो रहा है? अगर केंद्र सरकार साहूकारी से अगर हमको देना चाहती है तो उनको क्या अधिकार है, जो बीजेपी के नेता अगर हमको फ्री में बिजली मांग रहे हैं, वो कहे ना उनको कि अनुदान के रूप में वो राशि दे दे डिस्कॉम को, हम फ्री करने को तैयार है, हमें कोई एतराज नहीं है। और वैसे भी हम कोशिश करेंगे कि जितनी राहत हमारे बिजली के ग्राहकों को मिल सकेगी उतनी राहत देने की पूरी कोशिश हमारी महाविकास आघाड़ी यहाँ पर करेगी। लॉकडाऊनच्या कालावधीमधलं वीज ग्राहकांना सरसकट बिल आलंय आणि ते वाढवून आलेलं आहे, अशी अनेक शहरांमधल्या वीज ग्राहकांची ओरड आहे, आणि त्यामुळे नागपूरच्या ऊर्जामंत्र्यांच्या घरासमोर आंदोलनसुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात झालं होतं, आणि त्या अनुषंगाने ही पत्रकार परिषद नितीन राऊत यांची होती, त्यांनी स्पष्टता केली आहे वीज ग्राहकांचं समाधान होईपर्यंत आम्ही त्यांच्याशी संवाद साधत राहू। या बुलेटिनमध्ये इथेच थांबतोय, पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।